चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक चैनल पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपका एमटीएस का एग्जाम अब बिल्कुल नियर है। अब कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़ना आवश्यक हो गया आप सभी के लिए, और वो टॉपिक ऐसे हों जिनमें से 100% क्वेश्चन बने। बेसिकली करंट अफेयर में बहुत सारे टॉपिक हैं इस समय, जैसे अपॉइंटमेंट्स के टॉपिक की एक साथ अपॉइंटमेंट का कंटेंट आपको मिल जाए एमटीएस के लिए, और बाकी अन्य एग्जाम भी इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे सीजीएल मेन, सीएचएसएल एनरोल, सब कुछ ठीक है, सभी यूज कर सकते हैं इसे, है ना। तो हम ना ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 15 मिनट की, ड्यूरेशन 15 मिनट ही रखिए क्योंकि हमें कंपाइल करना है चीजों। तो अपॉइंटमेंट करते हैं आज, फिर बैक टू बैक अलग अलग नए नए टॉपिक है, लाइक G20 आया है, चंद्रयान 3 पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं आपको लगातार 5 दिन जो टॉपिक दूंगा ठीक है, बैक टू बैक, इनमें से 100% आपके क्वेश्चन बनेंगे। आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, अमन सर टेस्ट बुक, सो डैट कि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है अपॉइंटमेंट, जिसमें हम ना लेटेस्ट जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है वो सब डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखिए गवर्नर्स के ऊपर क्वेश्चन आते ही है कि गवर्नर कौन बने हैं, और अभी बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स में भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, जैसे गवर्नर महाराष्ट्र के कौन बने अभी हाल फिलहाल। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में रमेश व्यास को जो है गवर्नर बनाया गया है ठीक है, किसको? रमेश व्यास को गवर्नर बनाया गया है ठीक है, महाराष्ट्र का। ऐसे अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन में स्पोर्ट्स की भी अपॉइंटमेंट हुई है ठीक है, रॉ के भी नए हेड बने हैं, बीएसएफ के हेड बने हैं ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी हेड होंगे वो सब करेंगे। जैसे स्पोर्ट्स में देखिए, अभी आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है 2023 में। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, आंसर क्या होगा इसमें? दोस्तों कमेंट बॉक्स पे भी आंसर लिखिएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक अच्छी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आंसर है इस क्वेश्चन का शाहरुख खान ठीक है। ऐसे ही मैं ब्रांड एम्बेसडर के भी क्वेश्चन करा दूंगा अलग से ठीक है। तो आप मतलब ये समझिए कि आप मेरे साथ शाम को 7 बजे वाली क्लास में पढ़ते रहिए, मैं टेक्स्ट बुक में आपको शाम को 7 बजे पढ़ाता हूँ, वो मिसलेनियस में भी मैं सब कवर कर रहा हूँ। तो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ना चाहें मुझसे शाम को 7 बजे पढ़े, बाकी मैं वीडियो सारी डालूंगा ठीक है, A to Z डालूंगा, क्योंकि एमटीएस का एग्जाम अभी लंबा चलने वाला है। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और अब लगातार आपको बैक टू बैक सारे वीडियोस देंगे ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, अभी सीबीआई के नए स्पेशल डायरेक्टर बने ठीक है, तो नए सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर कौन बने हैं दोस्तों? तो आंसर है इस क्वेश्चन का कि अभी अजय भटनागर जो है इनको स्पेशल डायरेक्टर बने। बेटा ध्यान रखना, इधर डायरेक्टर नहीं स्पेशल डायरेक्टर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे गलती ना करें कि डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर का क्वेश्चन है क्योंकि वो आता है, ये भी एक बड़ी अपॉइंटमेंट है ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, चेयरमैन गिफ्ट सिटी का, गिफ्ट सिटी कौन सी है? देखिए आप सभी जानते हैं गुजरात जो है, गुजरात बहुत ज्यादा विश्व प्रख्यात प्रख्यात हो गया है, किस वजह से? गिफ्ट सिटी की वजह से भी, क्योंकि इसमें ठीक है एक अच्छा जो है इकोनॉमी डेवलप हो रहा है और अच्छा। तो गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है उसके नए चेयरमैन कौन सिटी के अपॉइंट किए गए, जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा सभी के सभी ठीक है। अब आप ना इन वीडियोस पे भरोसा रखें कि भाई इन वीडियोस में से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे ठीक है। मैं छोटी दे रहा हूँ, पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा जिस दिन ये, ऐसे मान लीजिए वीडियो आ जा रही है तो अभी जो है ना आपको उसी के साथ साथ जो है इसका पीडीएफ मिलता जाएगा। हसमुख अधिया इस क्वेश्चन का आंसर है, बड़ा फेमस नाम है, रवि सिन्हा भी बड़ा फेमस नाम है, अभी क्वेश्चन कराते हैं। चलिए आ ही गया क्वेश्चन, नए रॉकेट चीफ कौन बने? रिसर्च एनालिसिस एंड विंग के नए चीफ कौन बने ठीक है। अब देखो मैंने अभी बोला कि रवि सिन्हा भी बड़ा प्रसिद्ध नाम है, क्यों नाम प्रसिद्ध है? क्योंकि ये रो के नए चीफ बने, क्वेश्चन गारंटेड है आपको रो के चीफ पे, यूपीएससी के हेड पे ठीक है, इन सब टाइप के क्वेश्चन आपको मिले। यूपीएससी के हेड कौन है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यूपीएससी के हेड कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ईजी क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जो जज अपॉइंट किए गए हैं उनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, अभी जैसे हिंदुजा ग्रुप है, अब हिंदुजा ग्रुप के नए चेयरमैन कौन बने हैं बताइए आंसर के इस क्वेश्चन का, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हिंदुजा ग्रुप के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन बनाए गए हैं, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा सभी के साथ ठीक है। आंसर देखो, अब कोई कहेगा सर देखो इतना आसान क्वेश्चन है नहीं, कारण क्या है? क्योंकि आपको सभी के सभी नाम हिंदुजा से ही दे दिए, इतना डिफिकल्ट कर दिया कि अगर आपने बहुत वेटिंग अराउंड द बुश याद किया होगा ना, कि बस ऊपर ऊपर की परत से याद किया होगा, तब भी आप क्वेश्चन को गलत करने वाले हो आप, है ना। चलिए बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कमेंट बॉक्स पे लिखिए सभी के सभी।
चलो तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का? आंसर है गोपीचंद हिंदुजा। क्या है आंसर? गोपीचंद हिंदुजा इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा। देखो यूआईडी जो है, यूआईडीआई जो है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जो हमारा आधार कार्ड बनाया गया, तो वो यूआईडीए के द्वारा ही इसमें काम किया गया था, है ना। तो अब जो यूआईडीए के जो नए सीईओ बनाए गए, नए जो चेयरमैन बनाए गए दोस्तों, ये कौन बनाए गए बताइए? यूआईडीए के जो नए चेयरमैन बनाए गए, ये कौन? चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, चलिए तो आंसर है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है अमित अग्रवाल। ठीक है, अमित अग्रवाल जो है नए यूआईडीए के सीएम जो है सीईओ बनाए गए हैं, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसमें जितने भी व्यक्ति हैं, जैसे सुजय लाल तेशोन जो है पहले थे, ठीक है, ये मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हेड रह चुके हैं, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो अभी कह रहे हैं बीएसएफ के नए हेड कौन है, जल्दी से बताइए, है ना। प्रवीण कुमार अलग, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अलग, आंसर नितिन अग्रवाल है इस क्वेश्चन का। कि भाई बीएसएफ के नए हेड कौन है? नितिन अग्रवाल है। एक और क्वेश्चन देखिए, सीवीसी के नए जो हेड बने, जिन्होंने शपथ ली हाल फिलहाल में, वो कौन है? अब आपके सामने एक ऑप्शन में दे रखा है, मैं अभी उनके बारे में डिस्कस भी कर रहा था, बस थोड़ा सा ना याद करने की भी कोशिश करनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन देखना होता। ठीक है, तो रिलेटेबल चीजें हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कि भाई सीबीसी के नए कमिश्नर कौन बनाएंगे, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का? तो सीबीसी के जो नए कमिश्नर बनाए गए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ही बनाए गए। अभी मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही डिस्कस कर रहा था कि भाई प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अलग है, प्रवीण सिन्हा अलग है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए। अब जैसे 40 अभी जैसे हमने एक महाराष्ट्र के करे, सबसे पहला क्वेश्चन हमने महाराष्ट्र के गवर्नर के ऊपर किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नर का, जो मेजर सिटीज है ना, मेजर जो स्टेट्स है ना, उनका ही गवर्नर का क्वेश्चन आता है। सारे गवर्नर आज के समय में याद मत करे करो, क्योंकि आते नहीं क्वेश्चन, लेकिन जो आते हैं वो मेजर स्टेट्स के आते हैं। ठीक है, जैसे 41st गवर्नर बिहार के अभी लेटेस्ट बने हैं, वो कौन है बताइए? बिहार के जो गवर्नर बने हैं वो कौन है, कमेंट करिए सर। आप मेरा टेलीग्राम है ना अमन सर टेस्ट बुक, उसे ज्वाइन कर लेना, आपको बैक टू बैक सारी वीडियोस दे दूंगा, जितनी आपको जो है चाहिए, आपके मेजर एमटीएस के एग्जाम के लिए चाहिए, वो सारी वीडियोस दे दूंगा। और 5-5, 10-15 मिनट की वीडियोस हैं, सभी देख भी लोगे, 2 घंटे लगे, 10-15 मिनट की सारी वीडियोस देख लो, करंट अफेयर्स खत्म हो जाएंगे, जो लेटेस्ट टॉपिक है ना वो सारे खत्म हो जाएंगे। आंसर इस क्वेश्चन का राजेंद्र अर्लेकार जो है ये बने। ठीक है, अब देखो पेटीएम आप सभी जानते हैं, पेटीएम का बड़ा मुद्दा चल रहा था। ठीक है, तो पेटीएम ने अभी हाल फिलहाल में अपने सीईओ जो है, प्रेसिडेंट जो है, अपॉइंट किए हैं। अब वो कौन है पेटीएम के, ठीक है, नए सीईओ प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? अच्छा क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट आ सकता है, बढ़िया आंसर क्या इस क्वेश्चन का? चलो तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, भवेश गुप्ता। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? भवेश गुप्ता इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आ सकता है मेरे भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बताइए? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन, जल्दी से बताइएगा सभी के सभी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको ये क्वेश्चन आता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आंसर है रवनीत कौर। क्या है? रवनीत कौर। अभी मैंने जैसे आपसे पूछा था कि भाई यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने हैं, तो आपके सामने ऑप्शन में कहीं पे लिखा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना क्या इनमें से कहीं पे ऑप्शन में लिखा हुआ है यूपीएससी के नए चेयरमैन का। ठीक है, क्या इनमें से लिखा हुआ है? तो आपको इधर दिखाई दे रहा हूँ कि हाँ यार, इनमें से लिखा हुआ मनोज सोनी। ठीक है, इसमें से मनोज सोनी लिखा हुआ। एक और क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन आ गया, आप सोल्व कर सकते हो सारे के साथ। कुछ बच्चे अरविंद सक्सेना लगा देंगे, क्योंकि अरविंद सक्सेना भी रह चुके हैं। ठीक है, वो इंटरिम यूपीएससी के चेयरमैन बने थे, इंटरिम यूपीएससी के चेयरमैन, बीच में अरविंद सक्सेना को बनाया गया था। ठीक है, तो अरविंद सक्सेना भी बड़ा फेमस नाम है, व्यक्तियों के जो प्रसिद्ध पर्सनैलिटी है उनके नाम तो वैसे ही पता होने चाहिए, क्योंकि अगर प्रसिद्ध पर्सनैलिटियों के नाम पता होंगे तो डेफिनेटली आप उसमें पर्सनैलिटी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं, पर्सनैलिटी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी हो जाएगा, है ना। चलिए तो आंसर इस क्वेश्चन का मनोज सोनी है। अभी ट्विटर के नए सीईओ कौन बने? देखो ट्विटर जो है, उससे पहले पराग अग्रवाल थे, एलोन मस्क ने ले लिया, एलोन मस्क ने पराग अग्रवाल को तुरंत हटा दिया। ठीक है, तो उसके बाद अभी यूट्यूब के जो नए चेयरमैन बने वो भी इंडियन है ना, नील मोहन।
क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस पे। आंसर है इस क्वेश्चन का लिंडा, ठीक है, जैकरीनो। क्या है आंसर? लिंडा जैकरीनो इस क्वेश्चन का आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, अभी एयर इंडिया के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने एयर इंडिया के, बताइए। अच्छा क्वेश्चन, बहुत सरल भी है सवाल, ठीक है, डिफिकल्टी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सरल भी है सवाल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। एयर इंडिया के नए चेयरमैन का नाम बताइए सभी के सभी, है ना। और जो टॉपिक आपको चाहिए होंगे ना, आपको लगता है कि भाई हाँ एमटीएस के लिए हमें ये भी करना है वो भी करना है, सब टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स पे आज लिखें, सो डैट कि वो टॉपिक देखे जाए और तुरंत बनाए जाए आपके लिए। तुरंत बनाए भी जाएंगे, तुरंत आपको रिजल्ट आउटपुट देखने को मिलेगा, आप बस नाम लिख दें। लेकिन ठीक है, हम 5 दिन में सब रिकॉर्ड मार देंगे और सब डाल भी देंगे, ठीक है। चलिए, आंसर है इस क्वेश्चन कैम्बेल विल्सन। इस क्वेश्चन का आंसर है कैम्बेल विल्सन को बनाया गया। अभी वर्ल्ड बैंक के नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो अपॉइंट किए जाएंगे, बताइए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको अमेरिका ने रिकमेंड किया था, इन्हें जो है अमेरिका ने रिकमेंड किया था, इस वजह से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। बताइए वर्ल्ड बैंक के नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होने वाले हैं, कमेंट करिए। बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन। तो आंसर है इस क्वेश्चन का अजय बांगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन बनेंगे, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन बनेंगे। तो आंसर है इस क्वेश्चन का विश्वभूषण हरिचंद, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब जैसे एसकॉम है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए प्रेसिडेंट कौन बन रहे हैं, तो ये अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन ना बनने ही बनने हैं आपके, तो आप ये कर ही लेना, अजय सिंह इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आज के अपॉइंटमेंट के सारे क्वेश्चन बने। आप ये मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, अमन सर टेस्ट बुक, ठीक है, सर्च कर लोगे ना तो एक चैनल एक ग्रुप दोनों आ जाएगा और इसमें जुड़ जाना। पीडीएफ में डाल देता हूँ, ठीक है। वैसे भी वीडियो का ड्यूरेशन भी मैंने शॉर्ट रखा है कि आप पीडीएफ के साथ साथ इससे भी पढ़ सकते हो, डायरेक्टली वीडियो को भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें जुड़ जाना, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे जो जो चैप्टर चाहिए वो सारे लिख दो, आपको 5 दिन के भीतर मिल जाएंगे, अगर लिखोगे तो सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो मेरे भाई एक सब्सक्रिप्शन लेके कर सकते हो। अगर बैच पूरा पढ़ोगे ना, फाउंडेशन बैच, तो किसी भी चीज की टेंशन नहीं रहेगी। फाउंडेशन बैच एक ऐसा इलाज है जिस इलाज से सभी जो है अपना निवारण कर पा रहे हैं और तैयारी कर पा रहे हैं। ये अमनदीप कोड यूज करिए और फाउंडेशन बैच में जुड़िए, क्योंकि फाउंडेशन बैच से अच्छी तैयारी होगी आप, ठीक है। फाउंडेशन बैच में मास्टरी लाइफ बैचेस चल रहे हैं, एस्पिरेंट से अचीवर बनने की अगर इच्छा है तो एक फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें अमनदीप कोड से। और इसका जो लिंक है एसएससी के जो टेस्ट बुक जो है ना, टेस्ट बुक ऐप जो है सुपर कोचिंग ऐप, उसमें एसएससी गोल्ड में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं, तो जुड़ते रहिए मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पे, टेस्ट बुक पे। लाइव क्लासेस लेने के लिए शाम को 7 बजे आप आ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पे अपने चैप्टर्स का कमेंट करिए जो आपको चाहिए। धन्यवाद आप सभी का।